आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। यंग बाइट्स की हिस्टोरिक सीरीज में आज मैं आपको घुमट लेकर आई हूँ, जहाँ पर बात की जाए डोगरा राज परिवार की रानियों की समाधियाँ हैं और उनकी याद में जो है ये समाधियाँ बनाई गई है। किस तरह से ये समाधियाँ बनाई गई है और किन किन रानियों की समाधियाँ यहाँ पर बनाई गई है वो आपको दिखाएंगे। अक्सर लोग जो है इस रास्ते से गुजरते हैं और इस बोर्ड को भी पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। 100-150 साल से भी पुरानी यहाँ पर समाधियाँ हैं जिसकी देखरेख जो है वो दरमा ट्रस्ट करता है। और कुछ समय पहले की बात की जाए तो लोगों का इतना फुटफॉल यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन आज के समय की बात की जाए तो लोग इतनी जानकारियाँ नहीं रखते इतिहास से जुड़ी हुई। ऐसी कई सारी जानकारियाँ हमारी यंग बाइट्स की कोशिश है आप लोगों तक पहुँचाने की। कुछ समय पहले की बात की जाए तो इस समाधियों की काफ़ी खस्ता हालत थी, लेकिन अब एक बार फिर से रिनोवेशन जो है यहाँ पर हुई है और काफ़ी खूबसूरत ये लोकेशन जो है वो लग रही है, और आधा काम जो रहता है उसे भी पूरा किया यहाँ पर जा रहा है। तो आज हम आपको सीधा यहाँ पर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि एक प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर है शिव जी का, जहाँ पर लोग आते हैं जल अर्पण शिवलिंग पर करते हैं। और इसके साथ साथ तमाम समाधियाँ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, हमारी कोशिश है यंग बाइट के मीडियम से वो यहाँ पर इन समाधियों को देख सकते हैं। तो इस समाधि में जो है आपको हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिनोवेशन का काम जो है चल रहा है। तमाम रानियाँ महारानियों की समाधि जो है उनकी याद में यहाँ पर बनाई गई है, और ज़्यादा जानकारी भी हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे और बताएंगे कि इतिहास से कुछ ऐसी यादें जो है जुड़ी हुई है जिसकी जानकारी आज की जनरेशन को नहीं है। तो यहाँ के इंचार्ज जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलभूषण जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार जी, जी नमस्कार। क्या कहना चाहोगे, लोगों को इतने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो ये रानी महारानियों की यहाँ पे समाधियाँ बनाई गई है क्या मतलब कि कितनी पुरानी ये है और क्या कुछ कुछ शब्द जो है रानियों के बारे में आप कहना ये चाहोगे? बात ये है कि जहाँ पर जो है ये अभी हमारे जो डॉक्टर कर्ण सिंह जी महाराज है, ये इन्हीं के कुल की ये कुल इनके कुल देवता हैं। जहाँ पर जैसे हम पुराने ज़माने में कुल देवता को मानते हैं, ये इनके सारे कुल देवता जो है जहाँ पर विराजमान है। और ये कुल देवता जो है उनकी जो राजे महाराजे जो जहाँ पर जो है सदियों से 200 साल से जहाँ पर जो है चलते आए हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे सबसे पहले महाराजा रणवीर सिंह जी जो थे, उनकी पत्नियाँ हैं, चार पत्नियाँ थी उनकी, ये दिया गया है सब यहाँ पर। और इनके लायगा जो जो राजा है उनकी महारानियों की जहाँ पर समाधियाँ हैं और उनके कुल की समाधियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है ये सदियों से 200 साल पहले से ये थोड़ा सा पहले पुराना था, अभी महाराज जी ने देखो कितना सुंदर बन रहा है, अभी ये नया बना रहे हैं, बिल्कुल नया बना रहे हैं, देख लीजिए सारा हर जगह जो है इनकी यादाश जो है वो सदियों के लिए जहाँ पर एक बहुत भव्य जो है अच्छा बनाया जाएगा, यहाँ पार्क भी बनेगी, फूलों के भी बनेंगे। तो जितने भी यहाँ पर महारानियाँ रानियाँ हैं उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से वो रहती थी और क्या कुछ दो शब्द उनके लिए कहना चाहेंगे? ये जो महारानियाँ हैं, जो जो हमारे जो महाराजा थे उनकी महारानियाँ थी, जैसे सभी अपने अपने कुल में रहते हैं बच्चों के साथ, वो महारानियाँ थी। जब उनके पति जो है लड़ाई में जैसे किसी भी जगह में चले जाते थे, उनकी कोई भी पत्नी की कोई ऐसे ही स्वर्ग वास हो जाता था, तो जहाँ पर आकर उनको जो है जो इस मंदिरों में इन मंदिरों में उनकी जो है स्मारक बनाई गई है और उनकी याददाश्त के लिए सब जहाँ पर रखा गया है। हाँ जी ये राजपूत सभा में जो एक हमारे राजपूत थे जो राजे थे उनकी जो महारानियां थी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि एक राजा जो है बाहर जाकर लड़ाई में जब शहीद हो जाता था तो उनकी रानियां उनके साथ सती हो जाती थी, ऐसा भी जहां पर दिया गया है। लेकिन जैसे महाराजा रणवीर सिंह जी है उनकी पत्नियां हैं ये जहां पर उनकी भी समाधियां हैं। यहां पर जो है अभी आप देख रहे हो कितना सुंदर बन रहा है ये, कब तक काम पूरा हो जाएगा यहाँ पर? ये अभी एक दो महीना और लगेगा और अच्छा काम चल रहा है ये, इसलिए अभी पेंटिंग होना है, सब होना है, अभी तो ऐसे ही कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत काम बाकी है। और ये इतना सुंदर बन जाएगा
कि लोग सभी यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो महाराजा रणवीर सिंह जी के मंदिर के बीच में जो बहुत बड़ा शिवलिंग है, ये भगवान शंकर जी हैं, ये इसको हम नर्मदेश्वर बोलते हैं, ये नर्मदा नदी से लाए गए थे, उस वक्त इनकी स्थापना हुई है। और यहाँ पर जो है भगवान शंकर जी का बहुत पुराना 150-200 साल जो है मंदिर बनाया गया है। तो थोड़ी देर पर भी लोग आते हैं, जहाँ पर भी लोग आते हैं यहाँ पर। तो पहले ये गुरुद्वारा भी अभी बना है, तो अभी गुरुद्वारे में जो लोग मत्था टेकने आते हैं वो भी कभी कभी चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर सभी देखते हैं आकर। तो पुराने महाराज रानियों की जो इनकी, जैसे हमारे महाराजा के बारे में पता होना चाहिए, हमारे इस वक्त जो है हमारे देखरेख में जो है ये धर्म ट्रस्ट है, इनके जो मालिक हैं वो हमारे डॉक्टर कर्म सिंह जी हैं, ये उनकी देखरेख में है, ये वही बना रहे हैं सब कुछ, अपनी कुलदेव को नया करके बनाएंगे। इसमें यह है कि उनकी मर्जी थी कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही सुंदर पार्क बना के फूलों के साथ इन समाधियों को सजाया जाए, सुंदर बनाया। तो आज हम आपको लेकर आए थे यहाँ पर, हमने आपको दिखाया रानी महारानियों की समाधियाँ जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, और इसे और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर रिनोवेशन का काम जो है चल रहा है, और इसके साथ साथ तमाम राजा जो हमारे रहे हैं उनकी तमाम रानियां या महारानियों की बात की जाए तो उनकी समाधियां जो है यहां पर बनाई गई है, जिसे देखने के लिए आने वाले समय में लोगों का जो है फुटफॉल बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आज के जो युवा है वो इतिहास के बारे में जानने के लिए काफ़ी जागरूक रहते हैं और काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो आप उनको हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर ज़रूर आए और देखें कि हमारे इतिहास में क्या कुछ चीज़ें जो है रही है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है और दूर दूर से लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए भी आते हैं। तो हमारी हिस्टोरिक की सीरीज़ में आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और ये जगह कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। मेरे जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।